नमो नमः दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता। दर्शकों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी या जिसे हम अनंत चौदस भी बोलते हैं उसके व्रत के बारे में बताऊंगी। वह कब है, उसका क्या महत्व है, उसका संपूर्ण विधि विधान, आपको जो अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र है कैसे बांधना चाहिए और उसकी संपूर्ण कथा। आप ये जो वीडियो है पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो दर्शक आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाइए। ये बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों, अगर आप इसको अगर नहीं प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी मेरे जो नए नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। अनंत चौदस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उस दिन हम अनंत चौदस या अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो करते हैं, जो अब की बार 23 सितंबर 2018 को है। जो ये व्रत है इसके नाम से ही लक्षित होता है कि यह कभी ना अंत होने वाले जो श्री हरि विष्णु है उनके को समर्पित है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है जो कि श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आपको महत्व बताती हूँ। आप जो ये व्रत है इस व्रत को करने से कहते हैं अनंत, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं होता। अनंत आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको एक रक्षा सूत्र, जो आप रक्षा सूत्र इसको बांधते हैं जिस दिन, तो वो जो रक्षा सूत्र है वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, आपके कष्टों को हरता है। तो इसका जो विधि विधान है वो इस प्रकार है दोस्तों, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुबह उठकर आप जब स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपने जहाँ पे भी आप पूजा करने वाले हैं आपने कलश लेना है। कलश में आप जल लीजिए, उसमें एक सुपारी, 5 हल्दी की गांठें और 1 सिक्का, ये आप डाल के पहले जहाँ पे भी आप इसको स्थापित करेंगे आप पहले नीचे अक्षत बिछा दीजिए। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल, तो उसके ऊपर आप कलश रखिए। स्थापित करने के बाद में आपने उसके ऊपर जो बर्तन रखना है वो अष्ट कमल दल, जिसके वो कमल की तरह जो पात्र बना हो इस तरीके का आप वो रखिए, और उसके ऊपर कुशा से निर्मित विष्णु भगवान की मूर्ति रखिए। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं। और उसके बाद में अनंत जो चौदस जो ऐसे आपको ये मार्केट में भी बने हुए भी मिलते हैं, जो ये रक्षा सूत्र है ये मैंने बाजार से लिया है, इसमें ये 14 गांठें लगी हुई हैं, ये बाजार से मिला है मुझे दोस्तों, इसमें और ये 14 गांठें इसमें लगी हुई हैं। अगर आप इसे घर में बनाना चाहते हैं तो जो कच्चा सूत है वो लेकर आप इसमें 14 गांठें लगाकर इसको भी वही कलश के पास रख दीजिए। जितने आपके घर में सदस्य हैं आप ये उतने रक्षा सूत्र रखिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे सिर्फ पुरुष बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ महिलाएँ भी बांधती हैं, तो आप उसके अनुसार वहाँ रख सकते हैं। वहाँ रखने के बाद में आपने जो ओम नमो अनंताय नमो नमः आपने इसका जप करना है कम से कम 11 बार या 108 बार अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वहाँ से भी। और दोस्तों फिर आपने जब ये वहाँ पे कर लेंगे आप उस आपने फिर उसके बाद में कथा का श्रवण करना है जो मैं अभी आपको बताऊँगी। और आपने जो ये रक्षा सूत्र बांधना है इसको आपने क्या करना है, कथा सुनने के बाद में आप पंचामृत बनाएंगे, दूध दही शहद और गंगा जल और उसके अंदर घी डालकर और उसमें तुलसी के पत्ते, क्योंकि जो तुलसी की मंजरियाँ होती हैं वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती हैं, और वो आप वो डाल देंगे। उसके अंदर आपने ये जो रक्षा सूत्र है वो भिगोने हैं, और उसके बाद में फिर आपने रक्षा सूत्र और इसके यहाँ पे आप एक तुलसी का पत्ता रखेंगे, और जो पुरुष हैं वो जो सीधी यानी दाएं भुजा पर बांधेंगे और जो महिलाएँ हैं वो उल्टी यानी दाएं भुजा पर बांधेंगे। तो इसको आपने तुलसी के पत्ते के साथ बांधना है क्योंकि वो इतवार को है अनंत चौदस, तो आप तुलसी का पत्ता जैसे कि जानते हैं इतवार को नहीं तोड़ सकते, आप शनिवार को ही पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, और ये आप रक्षा सूत्र फिर बांध लीजिए। तो ये रक्षा सूत्र कम से कम 14 दिन तक बांध के रखिए तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद में जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रतिवर्ष भी इसको बांध के रखते हैं। अब मैं आपको इसकी कथा बना सुनाती हूँ, कथा इस प्रकार है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आरोपण किया, उन्होंने उसको रचाया, और जो मंडल था जो वहाँ का जो यज्ञ मंडप था वो इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था कि वहाँ पे जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति होती थी। जब दुर्योधन वहाँ आए और उन्होंने पूरी शोभा को निहारते निहारते एक जगह वे स्थल समझकर कुंड में जा गिरे,
जब द्रौपदी ने उनका उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। तो जो ये बात थी वो जो राजा दुर्योधन है उसको तीर की तरह चुभ गई और बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर धोखे से बुलाया और वहाँ पे धूर्त क्रीड़ा की जिसमें उन्हें उन्होंने उन्हें हरा दिया और उसके बाद में पांडवों को 12 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। वहाँ पे जो पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। जब एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया और उन्हें पूछा कि कोई उपाय बताइए जिससे कि उनके कष्टों का निवारण हो सके। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अनंत भगवान का व्रत करो जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है। इसके लिए जो कृष्ण भगवान ने उन्हें कथा सुनाई वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था जिसकी सुशीला नाम की पुत्री थी। जब वह पुत्री बड़ी हुई तो सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिल्य ऋषि जब सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे तब रास्ते में ही रात होने के कारण उन्होंने नदी के तट पर ही संध्या की। वहाँ पर सुशीला ने कई सारी स्त्रियों को सजे धजे वहाँ पर किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। तब सुशीला ने उनसे पूछा कि ये क्या है, जो पूरा वृत्तांत उनसे पूछा तो पता चला कि वे अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। उसने भी वहाँ अनुष्ठान किया और ऐसा ही एक रक्षा सूत्र जो 14 गांठें लगी थी अपनी भुजा पर बांध कर और कौंडिल्य ऋषि के पास पहुंची। फिर कौंडिल्य ऋषि ने जब वह रक्षा सूत्र देखा वह बहुत अप्रसन्न हो गए और वह रक्षा सूत्र उतारकर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और जो कौंडिल्य ऋषि की जितनी भी सुख संपत्ति थी वह भगवान ने सभी नष्ट कर दी। जब उन्होंने अपने पश्चाताप हेतु वह दर दर भटके और उन्हें भगवान को खोजने की कोशिश की तो वह बेहोश होकर एक जगह गिर गए और वहाँ अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे कौंडिल्य, तुमने जो मेरे साथ में जो मेरा रक्षा सूत्र का अपमान किया था उसकी वजह से ही तुम्हारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूटा है। तो इसका अगर तुम मैं लेकिन मैं तुम्हारे पश्चाताप से बहुत प्रसन्न हूँ और इसके लिए तुम अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक अगर तुम पूरे विधि विधान के साथ अनंत चौदस का व्रत करते हो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे ही उनके कष्ट दूर हुए और ऐसे ही श्री कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने अपने पूरे सभी पांडवों सहित और द्रौपदी सहित यह व्रत किया, जो रक्षा सूत्र है उसे धारण किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों यही हमारी कथा है, ये आप ज़रूर श्रवण करें। जैसे मैंने आपको बताया रक्षा सूत्र आप कथा सुनने के बाद ही उसको बांधें। तुलसी का पत्ता ज़रूर लें क्योंकि विष्णु भगवान को जो तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं वो बहुत ही प्रिय होती हैं। अगर मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाई हूँ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।